दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बॉलीवुड के और इंडियन सिनेमा के नंबर वन एक्शन सुपरस्टार हैं। और जैसे कि आप सब जानते हो, इस साल ईद पर आने जा रही जबरदस्त फुल ऑन एक्शन के पावर डोज से भरी हुई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म से पहली बार हमें इंडियन सिनेमा के अंदर AI टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है, जहां सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ इंडियन सोल्जर के किरदार में AI रोबोट्स का खात्मा करते हुए नजर आएंगे, और जिसकी कुछ झलक फिल्म के टीजर में भी दिखा दी गई है। टीजर को ऑलमोस्ट भर भर के प्यार मिल रहा है, और इसके पीछे की वजह अली अब्बास जफर, जिस विजन के साथ इन्होंने फिल्म को बनाया है। टीजर को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये फिल्म हॉलीवुड के VFX को टक्कर देने वाली फिल्म है, और अगर ऐसे में एक्शन के साथ साथ फिल्म की स्टोरी लोगों के दिलों को छू जाती है, तो इस फिल्म को 2024 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सुपरस्टार हैं, और ऐसे में अगर ये दोनों एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं तो स्वागत तो फैंस जबरदस्त तरीके से करने वाले हैं। और टीजर को जिस तरीके का प्यार मिल रहा है उससे तो ये साफ पता चल रहा है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म के टीजर को जिस लेवल का प्यार मिला है उसके बाद खबरें आ रही है कि फिल्म मेकर्स बहुत जल्द फिल्म से सॉन्ग्स भी रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और सबको पता है फिल्म में बड़े मियां छोटे मियां टाइटल ट्रैक होगा, मखना सॉन्ग होगा, और अब जो फिल्म का एक सॉन्ग जॉर्डन में शूट हुआ है, खबरें हैं कि उस सॉन्ग का नाम कोई बागी कोई खिलाड़ी रहने वाला है, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। फुल ऑन दमदार म्यूजिक के साथ इन दोनों की डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, जहां मारुसी चिल्लर और सोनाक्षी सिन्हा अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जितना जबरदस्त फिल्म का एक्शन होने वाला है उतने ही जबरदस्त फिल्म के ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग रहने वाले हैं। सीधा सीधा कहें तो बड़े मियां छोटे मियां ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म रहने वाली है, और उम्मीद है कि ये फिल्म इस साल की पहली 1000 करोड़ फिल्म साबित होगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।